हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 29, जो कि 24th of July 2001 की वर्कशीट है और इसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। लुक अराउंड एंड नोट डाउन ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स यू कैन सी अराउंड यू। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि आज बहुत ही खूबसूरत दिन है और आपको अपने आसपास जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें दिखती हैं उन सब को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या रखा है। टुडे वी शैल लर्न अबाउट अ न्यू थिंग, रीड दी सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुली। तो आज हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन लाइन्स को ध्यान से पढ़ना होगा। हाय माई नेम इज़ आशा। तो ये बच्ची बोलती है हेलो मेरा नाम आशा है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे माई नेम इज़, जैसे मेरा नाम है रीता, तो मैं यहाँ पे रीता लिखूँगी। अगर आपका नाम जो भी है आप वो लिखेंगे, ठीक है। माई नेम इज़ रीता। एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सभी का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होता है। द वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, एनिमल और बर्ड, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड और अ नाउन। यानी वो हर वर्ड, सारे शब्द जो किसी भी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी थिंग का नाम बताते हैं, उन नेमिंग वर्ड्स, उन वर्ड्स को हम नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि यहाँ पे एक बर्ड है, तो ये बर्ड इसका एक नाम ही है। ये एक प्लेस यानी बिल्डिंग है, ये इसका नाम है, ये एक पर्सन है और ये एक थिंग यानी कि टेलीफोन है। तो ये सारी चीज़ें इनका नाम है। अब नाउन के बारे में अगर डिटेल में आपको समझना है कि ये क्या होते हैं, तो नीचे मैं एक लिंक शेयर कर दूँगी जिसको क्लिक करके आप नाउन के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन। Let's have some more fun. Look at the pictures given below and circle the correct naming word for each picture. तो आपको ये pictures को ध्यान से देखना है और इनके लिए जो सही word है उस पर circle लगाना है। One has been done for you. तो आपके लिए जैसे ये क्या है, तो ये एक place है, तो इन्होंने place पे एक circle लगा दिया। ये क्या है, ये एक dog है। तो क्या एक person है, नहीं। क्या एक thing है, नहीं। क्या ये animal है, yes। तो यहाँ एनिमल पे हम सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट एक क्या है, ये ऑटो है। ऑटो क्या एक पर्सन है, नहीं। क्या प्लेस है, नहीं। ऑटो एक थिंग है, तो हम थिंग पे सर्कल लगा देंगे। थर्ड, यहाँ पे हमें एक गर्ल नज़र आ रही है, तो क्या ये एक पर्सन है, यस ये एक पर्सन है, तो पर्सन पे हम सर्कल लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है टॉक टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन में देखो कह रखा है, डियर चिल्ड्रेन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। तो आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। तो आपको ये सोचना है कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। तो आपको ये सोचना है, उनके डायलॉग को क्रिएट करना है। से इट आउट अलाउड एंड राइट इन योर नोटबुक्स। तो आपको ज़ोर ज़ोर से इनकी बातों को, जो भी आपने इमेजिन किया है, बोलना है और अपनी नोटबुक में उसको नोट करना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। और आप अपने घर में बड़ों की हेल्प भी इसमें ले सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि ये मम्मी हैं जो अपनी बेटी से पूछ रही हैं, हाउ आर These bangles, यानी ये जो चूड़ियाँ हैं, जो bangles हैं, वो कैसी हैं। तो बेटी बोलती है मम्मी these bangles are, आगे मैं इसके आर के बाद ऊपर लिख देती हूँ, आर सो ब्यूटिफुल, यानी ये जो बैंगल है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन थी। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू।